वेलकम टू सौरव सामाजिक और राउंडर चैनल। सौरव सामाजिक और राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं नो पॉइंट। आज ये क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भूमि के एक बिंदु, ध्यान देना है, इसको समझना है कि भूमि के एक बिंदु, देखना है इधर, ध्यान देगा। भूमि के एक बिंदु ले लिए हैं, ये हुआ भूमि, ठीक है। यहाँ ध्यान देना है, सबसे पहले चित्र समझना बहुत जरूरी है। अगर चित्र समझ में नहीं आएगा तो हिसाब कभी भी समझ में नहीं आएगा। ध्यान देना है, सबसे पहले चित्र कैसे बनाना है। अगर चित्र आप बना लेते हैं हिंदी देखकर, जो लिखा हुआ है क्वेश्चन देखकर, तो आपको आसानी से हिसाब बन जाएगा, ठीक है, और एग्जाम में आपको फुल में फुल अंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है ध्यान देना है और क्वेश्चन को समझना है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि का मान लेते हैं ये हुआ भूमि, धरती हुआ, एक बिंदु से जो बोल रहा है वही करना है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा, ऊंचा क्या होगा, ऊंचाई होता है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा, यहाँ पर कर दिए, ठीक है, 20 मीटर ऊंचा, ये हो गया 20 मीटर ऊंचा, क्या हो गया, भवन, ये हो गया 20 मीटर ऊंचा भवन के शिखर। शिखर होता है ऊपर वाला, ध्यान दीजिएगा कि ये जो रेखा है, ठीक है, ये जो रेखा है ये वाला होता है शिखर, ऊपर वाला क्या होता है, शिखर होता है, और नीचे वाला जो होता है पाद बिंदु होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर है शिखर, तो भवन के, क्या बोल रहा है, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ये जो शिखर है उसी पर एक क्या लगा हुआ है, संचार मीनार लगा हुआ है, ध्यान देना है, संचार मीनार। अब मीनार के चित्र नहीं बनाना है, सिर्फ एक तरह से त्रिभुज बनाकर हिसाब को बनाना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 9.1 में या हाइट एंड डिस्टेंस में किसी भी तरह के हिसाब में प्रॉब्लम होगी तो बस आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, आसानी से फुल में फुल अंक या फिर 80 में जो 100 में 100 अंक होता है मैट्रिक में, आप आसानी से ला सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट अवश्य करना है, ठीक है। तो ध्यान देना है, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक क्या लगा हुआ है, संचार मीनार, यहाँ पर लिखा हुआ है शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, के तल, ये हुआ इसका तल, संचार मीनार के क्या बोल रहा है, लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर, तल ये हुआ और शिखर हुआ ये, संचार मीनार का तल नीचे वाला हुआ और ऊपर क्या हुआ, शिखर। इसका इसका उन्नयन कोण कितना है, एक है 45 डिग्री और एक कितना है, कर्मशः यानी कर्म से, एक 45 होगा तो ये होगा 60 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला चित्र हम समझा रहे हैं, यहाँ पर एक चित्र बना चुके हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा बड़ा करके बना चुके हैं, यहाँ पर ये जो छोटा वाला है तो ये हो जाएगा 45 डिग्री और पूरा जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान देना है और समझना है, नाम लिख सकते हैं आसानी से, यहाँ पर होगा ए, यहाँ पर होगा बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, ठीक है, ध्यान देना है, ए बी सी डी नाम लिख दिया है, कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं, जो भी लिख सकते हैं, सी डी इधर उधर से, उससे कोई मतलब नहीं, बस हिसाब आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। तो लिखा हुआ है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये जो लिखा हुआ है कितना है, बी सी की लंबाई कितना है, पहले बोलो, बी सी बराबर है कितना है, 20 मीटर, बी सी कितना है, 20 मीटर हो गया। अब ध्यान देना है थीटा, थीटा के मान क्या है, 45 डिग्री और कितना है, 60 डिग्री, 45 डिग्री और क्या है, 60 डिग्री, ठीक है, ध्यान देना है। उसके बाद लिखना है क्या बोल रहा है, लगी संचार मीनार के तल और शिखर का, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर रहा है, मीनार कौन तो है, ऊपर वाला ये हुआ मीनार, तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, बोलो, मीनार की ऊंचाई हो जाएगा, तो लिखना है माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई कितना है, यहाँ पर लिख चुके हैं, कुछ नहीं है, ये हुआ मीनार, इसकी लंबाई जो है, जो मतलब सेंटीमीटर में दिया गया है, कुछ नहीं है, तो लिख देते हैं ए और बी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब क्या करना है, ध्यान देना है,
एसी जो बना है किससे किससे बना है, पहले लिखना है एसी जो बना है ए बी और बी सी से बना है। एसी जो बना है ए बी प्लस बी सी से बना हुआ है, ठीक है। और बी सी की दूरी कितना है 20 मीटर, ध्यान दो इधर, बी सी की दूरी कितना है 20 मीटर। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, देखना है ध्यान से। अब बनाते हैं, क्या करते हैं, छोटा त्रिभुज में जाते हैं। ये छोटा त्रिभुज के नाम क्या है, बी सी डी। तो लिखते हैं त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में लिखना है टेन थीटा बराबर, सूत्र लगा देना है टेन थीटा बराबर हो जाएगा पी बाय बी। त्रिभुज में ध्यान देना है, इस तरह के त्रिभुज रहने पर ये वाला जो होता है, जो सीधा रहता है वो होता है पी, जो सीधा रहता है वो होता है पी, और नीचे वाला होता है बी। तो ये वाला त्रिभुज हुआ बी सी डी, ये जो सीधा है क्या हो जाएगा, ये हो गया पी और ये हो गया बी। तो पी के मान क्या हो जाएगा, टेन है तो लिख दिए टेन थीटा, थीटा के मान हो जाएगा यहाँ पर छोटा त्रिभुज में छोटा मान क्या हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। और पी, पी के नाम क्या है बी सी, पी के नाम क्या है बी सी, और बी के नाम क्या है ध्यान देना है सी डी। बिल्कुल ध्यान को इधर एकत्रित करके रखें, ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो टेन 45 डिग्री का मान होता है, सभी को पता है कि 1 होता है, टेन 45 डिग्री के मान होता है 1। ऊपर है बी सी, बी सी के मान दिया हुआ है 20 मीटर, बी सी का मान दिया हुआ है 20 मीटर, और नीचे है सी डी, सी डी सी डी है तो क्या लिख दिया, सी डी का मान दिया हुआ नहीं है इसलिए सी डी लिख दिया। अब ऊपर एक है तो नीचे आराम से एक लिख सकते हैं, ठीक है। अब बनाना है सी डी को एक बार पढ़ेंगे हो गया सी डी, बीस, बीस को एक बार पढ़ेंगे हो जाएगा 20 मीटर, समीकरण हो गया 2। जब छोटा त्रिभुज का निकाल दिए तो ये पूरा बड़ा त्रिभुज के नाम है ए सी डी। फिर निकालते हैं त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में बिल्कुल ध्यान देना है, बड़ा है लेकिन हल्का है, ठीक है, ध्यान देना है। हिसाब देखने में बड़ा लगेगा लेकिन बिल्कुल आसान से अब समझ जाइएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना है कि ये वाला त्रिभुज के नाम क्या है ए सी डी, नाम है ये वाला त्रिभुज के नाम है ए सी डी। तो लिख देते हैं त्रिभुज ए सी डी में, फिर वही सूत्र लगाना है टेन थीटा बराबर हो जाएगा पी बाय बी, टेन है तो लिख दिए टेन थीटा, थीटा के मान क्या हो जाएगा ध्यान दो, थीटा के मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, बड़ा त्रिभुज में बड़ा थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। अब पी, पी क्या हो जाएगा ध्यान दो, पी जो होगा बड़ा त्रिभुज में, ध्यान देना है, पी जो होगा बड़ा त्रिभुज में पूरा होगा, पूरा क्या है एसी हो जाएगा, एसी बटे फिर क्या हो जाएगा सी डी, सी डी, ठीक है। तो टेन 60 डिग्री के मान सभी को पता है और ये बात पूरा हल्ला है कि क्या होता है, टेन 60 डिग्री के मान √3 होता है, नीचे एक लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान देना कि ये कहां से लिखे, टेन टेन थीटा है तो क्या लिख दिए, थीटा के मान हो गया 60 डिग्री, और पी जो हुआ बड़ा वाला त्रिभुज का पूरा पी क्या हो गया एसी, और नीचे हो गया सी डी। अब टेन 60 डिग्री का मान सभी को पता होगा क्या होता है, टेन 60 डिग्री के मान होता है √3। अब क्या है एसी, एसी जो बना है किससे बना है, यहाँ पर लिखा होगा एसी का मान समीकरण 1 से लिख देते हैं, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखते हैं, ठीक है, 1 का मान, तो एसी का मान टेन 60 डिग्री का मान √3 हो चुका है, ठीक है। अब एसी जो है समीकरण 1 में देखें, यहाँ पर ध्यान दो, एसी, एसी के जगह क्या लिखेंगे ए बी प्लस बी सी, अब नीचे हो जाएगा सी डी, सी डी के जगह क्या हो जाएगा, सी डी के जगह कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे सी डी, नीचे एक लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान देगा। अब सी डी को एक बार √3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा सी डी √3 हो गया, या फिर एक लाइन और बढ़ा दो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ √3 है तो लिख दिए √3, नीचे 1 लिख दिए, ठीक है। अब ए बी है, ए बी के मान कितना है नहीं है तो लिख दिए ए बी, अब ध्यान देना है बी सी, बी सी के मान कितना है 20 तो लिख दिए 20, नीचे सी डी के मान नहीं है तो लिख दिए सी डी, ठीक है, ध्यान दो इधर सी डी के मान कहीं नहीं है, न यहाँ है न ये चित्र में है, तो सी डी लिख दिए, ठीक है।
अब सी डी को रूट थ्री से गुना करेंगे, हो जाएगा सी डी रूट थ्री। अब ए बी प्लस बीस को एक बार पढ़ेंगे, मान के चलो पाँच का पाँच एक बार पढ़ने से पाँच होता है, दस का दस एक बार पढ़ने से दस होता है, तो ए बी प्लस बीस को एक बार पढ़ेंगे क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बीस ही होगा मीटर। ठीक है, अब ध्यान देना है यहाँ पर कि सी डी को रूट थ्री से गुना कर दिए, अब क्या हो जाएगा सी डी का मान, देखो यहाँ पर है सी डी के मान कितना है 20, तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण दो से, समीकरण दो से, या फिर आप यहाँ भी भर सकते हैं सी डी के मान समीकरण दो से, कोई दिक्कत ना है, सी डी का मान कितना है 20, तो लिख दिए 20 रूट थ्री हो गया है, 20 रूट थ्री बराबर ए बी प्लस 20 मीटर, इसको इधर कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ए बी प्लस 20 बराबर हो जाएगा 20 रूट थ्री। अब सवाल आता होगा कि बराबर के इधर किए तो माइनस होगा और इसको बराबर के इधर किए तो माइनस होगा, माइनस माइनस फिर क्या होगा कट जाएगा, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों जो है बराबर है, तो ए बी प्लस 20 को इधर लिखें और 20 रूट थ्री को इधर लिख दिए, क्या हो गया 20 रूट थ्री। अब लिखते हैं, ध्यान दो, ए बी बराबर हो जाएगा 20 रूट थ्री और ये प्लस में बराबर के उधर जाएगा, हो गया माइनस 20 मीटर हो जाएगा, ध्यान दो ए बी बराबर हो जाएगा, क्या है जो दोनों में है 20, 20 को बाहर कर दिए क्या हुआ रूट थ्री माइनस 1 मीटर, यही चीज लिख देना है, अतः ए बी, ए बी क्या है मीनार की ऊंचाई, लिख देना है अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20 रूट थ्री माइनस।